न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। सो गाइज, आज मैंने बनाए हैं चाय के साथ वाले स्नैक्स, जो आप मॉर्निंग में सुबह चाय लें, शाम को चाय लें, या फिर कई बार रात को भी हो चल जाता है कि रात को भी चाय लें, तो आप ये स्नैक्स बना के रख लें डब्बे में। ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और गाइज, आप जैसे कि देख रहे हैं, देखिए मेरी एक एक परत कितने अच्छे से खुल रही है, ये देखिए। और ये बनाने बहुत ही इजी होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए कि मैं कैसी बनाती हूँ। इस मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप ले लिया है आटा, ये देखिए, यहाँ मैंने 2 कप आटा ले लिया है मठरी बनाने के लिए। और साथ में थोड़ी सी, बिल्कुल जो कहेंगे कि 2 ही चम्मच मैं सूजी डालने वाली हूँ मठरी के अंदर। सूजी से मेरी जो मठरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेंगी। तो मैंने इधर आधी कटोरी डाल दी है सूजी, आधी से भी थोड़ा कम ही थी। सो गाइस, अभी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अजवाइन। ब्रश करके हाथ से थोड़ी अजवाइन डाल दी हूँ इसके अंदर। और अभी आप मेरे पास है यहाँ पे थोड़े सफेद तिल, तो गाइस मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से सफेद तिल। यहाँ पे है मेरे पास कस्तूरी मेथी और मैं इसको भी थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डालूंगी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इधर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, वो भी डाल लेती हूँ। और गाइस, मैं यहाँ पे अपने आटे के अंदर डालने जा रही हूँ ऑयल। तो मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, सो मैं इसको भी डाल देती हूँ, ये देखिए। और अब इन सबको मैं कर देती हूँ मिक्स हाथ से ही, ये देखिए। ऐसे हो जाए ऐसे। सो गाइस, यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैं इसको धीरे धीरे अच्छे से गूंद लूंगी। और देखिए, ज्यादा पतला नहीं करना है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, ये देखिए। यहाँ गुन चुका है मेरा आटा, ये देखिए। और मैं अभी इसको रख देती हूँ 10 मिनट के, जब तक मेरा आटा अच्छे से सेट होता है तब तक मैं डाल लेती हूँ, ये देखिए, 2 चम्मच आटा इधर, और 2 से थोड़ा सा और ज्यादा ले लेती हूँ। और साथ में ये ऑयल, ये डाल के इसके अंदर और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ ऐसे मिक्स करके, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं साथ में चढ़ा लेती हूँ गैस पे कढ़ाई, ये देखिए ऑयल, 10 मिनट पूरे। और देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से ऐसे करके वो कर लेती हूँ, आटे को गूंद लेती हूँ ताकि और अच्छे से गूंद जाए आटा, ये देखिए। और अभी मैं इसके कर देती हूँ 3 पार्ट, ये देखिए। सो गाइस, ऐसे बना लीजिए इनकी लोई। ये देखिए, ऐसे करके डाल लेते हैं फ्लोर पे आटा। और आप चाहे तो ऑयल डाल के भी इसको बेल सकते हैं। और देखिए, मैं इसको ऐसे करके पूरी लोई को बेल लेती हूँ, ये देखिए। और
बहुत ही पतला, जितना पतला हो सके। ये मत सोचना कि आप कि राउंड शेप में वो कर लेते हैं, राउंड शेप में नहीं आ रही है रोटी, कोई नहीं नहीं आ रही है तो, बट जितना पतला हो सके इसको आप बेल लीजिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है, बट जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस मैंने कितना पतला कर लिया है। और इधर जो मैंने आटा बनाया था घी का और उसका, वो ऐसे लगा के, चाहे तो आप चम्मच से लगा लीजिए, अगर आप चम्मच से नहीं लगाना चाहें आप हाथ से भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके आप हाथ से भी इसको पूरे को लगा सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे दबा दबा के अच्छे से इसको ऐसे रोल कर लीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे मेरे पास है नाइफ, सो मैं नाइफ से कर लेती हूँ इसको कट ऐसे। सो गाइज ये देखिए ये कितने अच्छे से राउंड शेप में कट गई है। और अभी इसको ऐसे करके हम ऐसे करके इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, और बेलने के बाद हम इसमें लगाते हैं घी और फिर ऐसे ऐसे हाथ से दबाते हैं और फिर ऐसे दबा देते हैं। तो ऐसे ही करके आपको सारी बनानी है अपनी मठिया। बैच के रेडी, और मैं अभी इनको डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर, तो साथ साथ में तैयार भी होते रहेंगे और मेरे साथ में बनते भी रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको डाल दिया, तो अभी तो मैंने गैस थोड़ा तेज कर रखी है, अभी इनको डालने के बाद मैं गैस को कर दूंगी स्लो ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए और एकदम से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए और मैं अभी गैस को कर रही हूँ स्लो एकदम से ताकि धीरे धीरे बन सके। और इधर देखिए मैं इधर अपना दूसरा बैच भी तैयार कर रही हूँ ऐसे ही इधर। सो इसको भी पहले की तरह आप जितना फैलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें भी लगा लेंगे हम घी। आप हाथ से चाहे तो हाथ से फैला लें, मैं तो हाथ से फैला रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ही फैलाना अच्छा लगता है, और कोई कोना नहीं छोड़ूंगी, सब जगह मैं ऐसे घी लगा लूंगी। ये देखिए, और फिर कर लूंगी इसको धीरे धीरे रोल। ये देखिए गाइस मेरा हो गया अच्छे से रोल। अभी मैं काट लूंगी इसको नाइफ से। सेम हाथ से ऐसे किया, बेलन से बेला। घी लगाया, और घी लगाने के बाद ऐसे बीच में से दबा के इसको ऐसे दबा दिया। ये देखिए, फर्स्ट बेस्ट रेडी। और देखिए कितना अच्छा हुआ है, देखिए ये देखिए। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ फटाफट। ये देखिए, और अभी मैं कर लेती हूँ दूसरा बैच तैयार, और मैं उसको भी डाल देती हूँ फटाफट। यहाँ पे हो गया मेरा दूसरा बैच भी रेडी, और मैं फटाफट डाल लेती हूँ इनको। देखिए सो गाइस देखिए मेरा ये बैच भी हो गया रेडी, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ फटाफट।